दबाए तो आपको सब दिख जाएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है बेटा। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करूं। हाँ सर, स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए बेटा, इसमें किसी किस किस क्वेश्चन में डाउट है इस पेज में, इस पेज में किस किस क्वेश्चन में डाउट है? अब मुझे ये दिख नहीं रहा है क्वेश्चन नंबर। आपके पास ये बुक होगी तो आप लोग अपने लिखिए किस किसी क्वेश्चन में, यदि आपको डाउट्स हैं तो। फर्स्ट पेज में किसी को कोई डाउट नहीं है? बेटा बुक अलग है तो अब क्वेश्चन तो कोरिलेट करना पड़ेगा ना बेटा। कैसे, मतलब सब बच्चों को कैसे समझ में आएगा? मेरे पास तो एक ही बुक है, ये वाली ऑनलाइन में यही मिली थी, अरिहंत की नहीं थी। ठीक है बेटा, शेयर करिए। आपको क्वेश्चन इसमें दिख जाएंगे, मैं वन बाय वन। फर्स्ट पेज में कोई डाउट नहीं है, फर्स्ट पेज में देख लो। देखो आप चाहे कोई भी बुक से क्वेश्चन, क्वेश्चन सभी में सेम है, बस आप मुझे बताते जाइए क्वेश्चन आपको जो डाउट है और इसमें जो क्वेश्चन है, क्या दोनों में कोई कॉमन डाउट है क्या, तो मुझे बताइए, तो मैं फिर उसे मार्क करके बताता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए। हाँ बेटा देखिए,
मैं लैपटॉप में भी इसको जूम को चालू करके देखता हूँ एक बार। बेटा थोड़ा सा वेट करिए, इसका जूम की मीटिंग आईडी क्या है कोई बता सकता है क्या? मीटिंग आईडी क्या है इस जूम की? मीटिंग आईडी है 9921876025। बेटा थोड़ा सा वेट करिए, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ कि अपने लैपटॉप में, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस देखने देखते रहूं और मैं डिस्कस कर सकूं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके परफेक्ट। तो ठीक है बेटा, देखिए
हाँ बेटा, अब आप शेयर कीजिए अपने डाउट्स फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज में आपके डाउट्स क्या क्या हैं शेयर कीजिए प्लीज। आपके जो फर्स्ट पेज में डाउट्स हैं प्लीज शेयर कीजिए। अब मैं आपके मैसेजेस देख सकता हूँ अपने लैपटॉप में। नो डाउट्स, किसी बच्चे को कोई डाउट्स नहीं है। एमसीक्यू का थर्ड, अरे बेटा ये एरिया में हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हम एरिया में सॉल्व कर लेंगे। और यदि फिर भी आपको डाउट है तो मैं बता सकता हूँ, ऐसे कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स, द एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स वन एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू बी। तो एरिया हमने पढ़ा था, एरिया होता है वन से लेकर बी का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। एरिया ये होता है बेटा, बिटवीन टू लाइन जो होता है एरिया जो होता है, एक मिनट, हाँ थर्ड में एरिया जो होता है वो होता है वन से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमको गिवेन है क्वेश्चन में। क्या गिवेन है क्वेश्चन में, गिवेन है हमको बी माइनस वन साइन थ्री बी प्लस फोर, बी माइनस वन साइन थ्री बी प्लस फोर गिवेन है। ठीक है, अब इसको हमें फंक्शन निकालना है तो हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू बी माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, साइन थ्री बी प्लस फोर, ये बी माइनस वन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थ्री बी प्लस फोर और थ्री बी प्लस फोर का थ्री। अब क्योंकि फंक्शन एक्स के टर्म में होता है तो बी की जगह एक्स कर देते हैं, तो एफ एक्स आ जाएगा साइन थ्री एक्स प्लस फोर प्लस थ्री टाइम्स एक्स माइनस वन कॉस थ्री एक्स प्लस फोर, ये हमारा आंसर हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है बेटा, वन बाय वन में डिस्कस करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। वन बाय वन, ये आ गया समझ में सभी को, क्वेश्चन नंबर थ्री समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर थ्री समझ में आ गया सभी बच्चों को। ठीक है, अब बताइए बेटा इस पेज में और कोई बचा है क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। बताइए इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना है? सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये सॉरी टेन वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिक्स्थ वाला बेटा, इसमें इवन ऑड की प्रॉपर्टी लगेगी, ये इवन फंक्शन है, ध्यान रखो किंग प्रॉपर्टी लगाओगे ना तो ये एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये लेकिन ये बन जाएगा किंग लगाओ, तो किंग लगाओगे ना तो ये इवन है, दूसरा वाला ऑड है तो ये नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जीरो। ये आई किंग लगाओगे ना तो आई इक्वल टू माइनस आई आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जीरो। किंग लगा दो, किंग किंग प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों लिमिट का सम माइनस है, माइनस एक्स, तो दोनों मतलब एक्स जगह माइनस एक्स कर देना है, फर्स्ट वाला अनचेंज रहेगा सेकंड वाला माइनस टाइम्स हो जाएगा, तो दोनों को आई इक्वल टू माइनस आई आ जाएगा। सेवेंथ एट में किसी को डाउट है? सेवेन एट नाइन, देखते जाइए बेटा, आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन, और जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया एटलीस्ट उसको मार्क कर लेना कि कैसे करना है हमको। देखिए
बेटा आपको करना कैसे वो क्लियर होना चाहिए। बाकी 2 sin x का है ना, चलो मैं बता देता हूँ। 9th को 0 से, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे में लिखा है पाई से 2 पाई है 2 sin x dx। पाई से 2 पाई इंटीजर पार्ट ऑफ 2 sin x dx, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये बेटा इसके लिए तो हमें क्या करना है, ये आप साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। 0 पाई 2 पाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर है 2, यहाँ पर है -2। अब देखिए ये 2 sin x 1 कहाँ पर होगा, इसी तरह से -1 होगा, ये मार्क कर लो। तो 0 से 1 में इंटीजर पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ। 0 से 1 में ये वैल्यू 0 होगी, फिर 1 और 2 के बीच में इंटीजर पार्ट तो कितना होगा, इंटीजर पार्ट की वैल्यू 1 होगी, ये होगा यहाँ पे बस 2 होगी, अदरवाइज फिर 0 हो जाएगी। जो जो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ ये एक्चुअल ग्राफ है अपना, इंटीजर पार्ट ऑफ 2 sin x का, ये हो गया। ये हो गया, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बनता है इंटीजर पार्ट का। अच्छा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो ये होता है इंटीजर पार्ट ऑफ पाई से 2 पाई इंटीजर पार्ट ऑफ 2 sin x dx। अब देखो बेटा हमने पढ़ा था जो इंटीजर पार्ट या कोई भी पार्ट है, इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एलजेब्रिक एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यदि मैं पाई से 2 पाई की बात करूं तो ये एरिया बनेगा एक रेक्टेंगल, इस वाले रेक्टेंगल का बनेगा एक, ये वाला रेक्टेंगल का बनेगा और एक ये वाला रेक्टेंगल का बनेगा, ये 3 रेक्टेंगल बनेंगे। समझ में आया, 3 रेक्टेंगल कैसे आ रहे हैं, एक ये वाला रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल, ये मैंने ब्लू कलर ब्लैक से मार्क किया है। अच्छा तो ये 2 sin x -1 कहाँ पर होगा, तो ये होगा एक होगा पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज 7 पाई बाय 6 पर, और एक होगा 11 पाई बाय 6 पर। तो ये वाला एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इस वाले एरिया का होगा 7 पाई बाय 6 -पाई, ये हो जाएगी इसकी विड्थ और हाइट होगी -1। एलजेब्रिक है इसलिए मैं निगेटिव लेना है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया निगेटिव लेना है। 11 पाई बाय 6 -7 पाई बाय 6 इंटू -2 होगा ये हाइट, यहां से लेकर ये हाइट टोटल -2 होगी, प्लस 2 पाई -11 पाई बाय 6 इंटू -1 होगा। बेटा क्वेश्चन कैसे ट्राई करना वो मालूम होना चाहिए, बाकी पाई से 2 पाई लिखा है या 0 से 2 पाई लिखा वो मैटर नहीं करता, आप आंसर निकाल लीजिएगा अपनी बुक का जो भी है। तो आ जाएगा पाई बाई 6 -1 तो -5/6, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 6 इंटू 2 दैट इज -8 पाई बाय 6, और ये आ जाएगा -5/6, तो आंसर होगा 10 पाई बाय 6 दैट इज -5 पाई बाय 3, ये आंसर है। जो मेरी बुक में लिखा है उसका आंसर ये है, आपकी बुक में पाई से 2 पाई लिखा है तो आप पाई वाले से कर लीजिएगा। पाई से क्या होगा, ये वाला तो एक्स एक्सिस का है तो कुछ नहीं होने वाला, इसका एरिया आएगा बस, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आएगा बस। यदि 0 से 2 पाई कहते तो ये वाला एरिया बस एक्स्ट्रा आता है, ये वाला जो मैंने हॉरिजॉन्टल से मार्क कर रखा है ये वाला एरिया बस एक्स्ट्रा आता है। यार इंटीजर पार्ट का ग्राफ तो मैंने कितने बार तुमको सिखाया है, यदि इंटीजर पार्ट का ग्राफ ही नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इंटीजर पार्ट का ग्राफ तो मैंने कितने बार बताया है, इंटीजर तुम साइन एक्स से पहले ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ जो रेड कलर से बना ये 2 sin x का है, जो जो मैंने और लाइन बनाई है ये है, हमें ग्राफ किसका बनाना है, इसका बनाना है 2 sin x का इंटीजर पार्ट का। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जितनी जहां जहां इंटीजर वैल्यू है सब पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। इस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन मैंने मार्क किया है ये है 0 और 1 के बीच में, तो इंटीजर पार्ट हो जाएगा 0। ये वाला पोर्शन ये यहाँ से लेकर 1 और 2 के बीच, इसका इंटीजर पार्ट हो जाएगा 2, सॉरी 1 हो जाएगा,
के वाले इस पॉइंट पे वैल्यू टू होगी, इस ये वाला पोर्शन है जीरो और वन के जो अगेन इंटीजर पार्ट जीरो हो गया, फिर ये वाला पोर्शन है जीरो और माइनस वन के बीच में, तो इंटीजर पार्ट हो जाएगा माइनस वन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने माइनस वन पे बना दी। फिर ये वाला जो पोर्शन है ये है माइनस वन और माइनस टू के बीच में, तो इंटीजर पार्ट हो जाएगा माइनस टू। फिर वाला अगेन पोर्शन देखिए तो वो है जीरो और माइनस वन के बीच में, तो इंटीजर पार्ट हो जाएगा माइनस वन। तो सब पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, एरिया बाउंड एक्स एक्सिस एरिया निकाल लीजिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स एक्सिस एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, जिसका डाउट था समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हाँ बताइए बेटा, और बताइए कौन से। टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन में किसी को डाउट है क्या? मैं एक क्लाइंट से पूछता जा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए अपना डाउट्स हो तो। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ठीक है, अब नाइन्थ नाइनटीन वाले क्वेश्चन में डाउट है, हम ये डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड क्या है? टी है। अच्छा, अब देखिए मुझे थ्री से लेकर थ्री टी लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है थ्री से लेकर थ्री टी, एफ ऑफ टू एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मुझे एफ ऑफ टू एक्स हटाना पड़ेगा, या फिर उसका पीरियड याद रखो कि एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी होता है, तो एफ ऑफ टू एक्स का हो जाएगा टू टी बाई टू। तो इससे बेटर ये है कि ना, कि हमको यदि इस तरह से गिवन है तो हम क्या करेंगे, टू एक्स को टी पुट कर देंगे। ठीक है, इसका पीरियड देखो, एफ एक्स का पीरियड होता है टी, तो एफ ऑफ टू एक्स का पीरियड क्या होता है, टी बाई टू, इतना तो याद होगा ना। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a प्लस एन टी कितने बराबर एफ एक्स डी एक्स है, तो किसके बराबर हो जाता है, जीरो से लेकर एन टी एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इसको इसी तरह से थ्री थ्री प्लस सिक्स इंटू टी बाई टू ऐसे में बना लेता हूँ, एफ ऑफ टू एक्स डी एक्स, तो इसमें हम n भी बाहर निकाल सकते थे, हो जाएगा जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, तो ये बन जाएगा जीरो से लेकर सिक्स एफ ऑफ टू एक्स डी एक्स, इससे सिक्स बाहर निकाल लीजिए तो जीरो से लेकर टी बाई टू एफ ऑफ टू एक्स डी एक्स आ रहा है। ठीक है, अब क्या करो, पुट टू एक्स इज इक्वल टू लेट से वाई, तो टू डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई के बराबर, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिक्स जीरो से लेकर पाई एफ ऑफ वाई डी वाई बाई टू, तो आ गया थ्री जीरो से पाई एफ ऑफ वाई डी वाई, एम एफ ऑफ वाई डी वाई गिवेन है क्वेश्चन में, क्या गिवेन है, i, तो आंसर हो गया 3i। ठीक है बेटा, क्लियर? आ रहा समझ में? ऑडियो वीडियो क्लियर आना है बेटा?
अब देखिए बेटा 19 हो गया, 20, 21, 21 तो डिस्कस किया था ना बेटा लास्ट क्लास में, भूल गए इतने जल्दी? भूल गए लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था सेम क्वेश्चन, ये लास्ट क्लास के वीडियो में आप चेक करिएगा मैंने डिस्कस किया है। बाई पार्ट लगाना है, एम प्लस वन दिख रहा है ना, मतलब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, और इसमें एन माइनस वन दिख रहा है मतलब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, आ जाएगा आंसर। बाई पार्ट लगाओगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 22 नो डाउट क्लियर। 22 में डाउट है क्या? अरे बेटा इसमें तो एफएक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना, तो एफ डैश एक्स निकालोगे ना, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x, अपर लिमिट इसमें पुट कर दीजिए माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, इसमें लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। तो इसको हम ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा ओपन करेंगे तो आएगा 2x² + 1 आएगा। अब ये वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव होगी ना बेटा, देखो 2x² की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और प्लस 1 है तो ये वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो होगी ये वैल्यू होगी मोर देन ई, तो 1 माइनस मोर देन ई तो वैल्यू कैसी आएगी, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो ब्रैकेट की वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा हमें चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पॉजिटिव कब होगा जब एक्स नेगेटिव हो, एक्स मस्ट बी लेस देन 0। आया नहीं आया समझ में? गौतम आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आपका डाउट है ये, नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए क्या समझ में नहीं आया। ठीक है चलो 24 में डाउट है, 24, 25, 26, 27, 26 एरिया वाला है तो उसे तो छोड़ ही देना, 28 एरिया वाला ये नहीं करना है हमको, ये अभी मतलब हमें नेक्स्ट चैप्टर में करना है ये सारे क्वेश्चन, एक क्लास का चैप्टर है वो एक सिखाऊंगा तो फिर एरिया के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे। देखिए थर्टी वाला तो मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है 31 देखते हैं।
31, क्वेश्चन नंबर 31। तो मैं पहले से रब कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा मुझे। हाँ बेटा देखिए, अरे यार ये तो लॉपिटल रूल पे मैंने बताया था ना, इंटीग्रेशन के ऊपर लिख लो 0 to x ln 1 plus t upon t to the power 4 plus 4 divided by x cube। अप्लाई लॉपिटल तो ये हो जाएगा x ln 1 plus x upon x to the power 4 plus 4 divided by 3x square। ठीक है, आप क्या करें, ये x एक x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 by 3 ln 1 plus x upon x लिख लेता हूं और बाकी रिमेनिंग टर्म अलग। अब x ये देखो लॉगरिथम वाली लिमिट तो 1 होती है और ये रिमेनिंग 1 by 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 by 3 into 1 by 4 that is 1 by 12, बी आंसर हो गया। हाँ बेटा, देखना चाहिए बेटा, देखिए बेटा आप कोई डाउट है, 31 तब तो हो गया, 32, 33, 34, 34 एरिया वाला है तो हम आगे करेंगे, 32, 33 में डाउट है, थर्टी फाइव तो हो गया, 36, 37, 37 तो एरिया वाला है तो इसको तो अभी छोड़ दो, 36 वाला हो गया, 33 में बेटा x साइन x स्क्वायर, मैं इसको पहले लिख लेता हूं,
ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें सबसे पहले बेटा देखिए आपको समझ में आना चाहिए डायरेक्टली। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, साइन एक्स स्क्वायर, इसी से हिंट मिल रही है, तो एक्स स्क्वायर को आप कुछ वाई पुट कर दीजिए, तो टू एक्स डी एक्स हो जाएगा डी वाई, और ये रूट फ्री हो जाएंगे, एल एन टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन थ्री, ये हो जाएगा साइन वाई डी वाई अपॉन टू डिवाइडेड वाई साइन वाई प्लस साइन एल एन सिक्स माइनस वाई। अब पहले तो इसको पहले प्रॉपरली लिख लेते हैं, फिर हम इसमें लगाएंगे किंग रूल। एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये, इसमें हम लगाएंगे किंग रूल। तो किंग रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों लिमिट का सम, तो एल एन टू प्लस एल एन थ्री, तो एल एन सिक्स हो जाएगा ना, तो हो जाएगा एल एन सिक्स माइनस वाई डी वाई डिवाइडेड वाई साइन एल एन सिक्स माइनस वाई प्लस साइन एल एन सिक्स है ना, एल एन सिक्स में से एल एन सिक्स माइनस वाई सबट्रैक्ट कर दो, तो ये तो कैंसिल हो गया, साइन वाई बन जाएगा। तो ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो टू वाई आ जाएगा। देखिए वन बाय टू कॉमन एल एन टू से एल एन थ्री, देखो नोमरेटर डिनोमिनेटर में यही बन जाएगा ना, साइन वाई प्लस साइन एल एन सिक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई साइन वाई प्लस साइन एल एन सिक्स माइनस वाई डी वाई बन जाएगा, तो कैंसिल होके वन आ गया। तो वन का इंटीग्रेशन वाई एल एन टू एल एन थ्री, ये आ रहा है एल एन थ्री माइनस एल एन टू, तो आ रहा है कितना, वन बाय टू एल एन थ्री बाय टू, ये कितना है टू आई आ रहा है, ठीक है। तो आई हो जाएगा वन बाय फोर एल एन थ्री बाय टू। देखो बेटा समझ में आया कि नहीं आया स्टार्टिंग से, अरे एक्स स्क्वायर पुट किया ना बेटा, एक्स स्क्वायर, एक्स जब रूट एल एन टू होगा तो वाई कितना होगा, रूट थ्री हो जाएगा, एल एन टू आएगा केवल, हमने बेटा एक्स स्क्वायर को वाई पुट किया है ना, तो एक्स की वैल्यू जब रूट एल एन टू रूट एल एन थ्री होगी ना, तो वाई क्या होगा, एल एन टू एंड एल एन थ्री। हाँ बेटा आएंगे लाइन से आएंगे, वन बाय वन, वन बाय वन वी विल डिस्कस एवरी चैप्टर एवरी क्वेश्चन, आप परेशान मत होइए, सभी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, सभी के डाउट्स लूंगा। हाँ बेटा देखिए इनमें से किसी को डाउट है, 38 39 38 मतलब तो मैंने क्लास में करा दिया था, 39 40 41 तो नेक्स्ट चैप्टर का है, 39 40 में डाउट है किसी को, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 39, देखिए इसमें क्या है, हमको जनरल सब्स्टिट्यूशन जनरली हम करते हैं जो है वो उससे अलग ही हटके है। इसमें लिखा है टू कोसेक एक्स के टर्म में क्वेश्चन गिवन है, और आंसर देखिए अजीब ही गिवन है, ई टू दी पावर यू फॉर्म में, ई टू दी पावर यू फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, तो सब्स्टिट्यूशन ऐसे हमको अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम ये कैसे एक्सप्रेशन को लाएं, किस तरह से लाएंगे,
एक्सप्रेशन को लाने के लिए तरीका यह है कि हम टू कॉस ए के एक्स, देखो टू से ज्यादा होगा तो इसको मैं ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू, ये तुम जानते हो ना एक्स ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू होती है मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू टू होती है ना, ये मैं पुट कर देता हूँ। तो पाई बाय फोर से पाई बाय टू मैं लिखता हूँ नेक्स्ट पेज में, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो मुझे क्या करना है, टू कॉसेक एक्स को मैं लिख देता हूं ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू, यू है ध्यान रखना फोर नहीं है वो, ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं। तो इसको पहले ई टू दी पावर यू को मैं वाई एज्यूम कर लेता हूं, थोड़ा सॉल्व करूं तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस टू कॉसिक एक्स इंटू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो वाई कितना आएगा, तो वाई आएगा टू कॉसिक एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस फोर अपॉन टू, तो ये टू कट हो जाएगा तो ये आएगा कॉसिक एक्स प्लस और माइनस कॉट एक्स। तो ये है ई टू दी पावर यू, तो यू कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा एल एन कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स, आप कोई भी यूज करिए, मैं प्लस ले लेता हूँ, आप माइनस भी लेंगे तब भी आंसर आएगा, तो ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ प्लस माइनस होता है कोई भी, आप एक भी एक एज्यूम करके सॉल्व करिए आंसर आएगा। तो यू ये हो गया, यू मैं एज्यूम कर देता हूँ ये यू ये, तो डी यू कितना होगा, तो डी यू बाई डी एक्स होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बेटा ये सब्स्टिट्यूट तो कर दिया, तो हमें डी एक्स चाहिए होगा ना इन टर्म्स ऑफ यू, हमें डी एक्स चाहिए होगा ना इन टर्म्स ऑफ यू, तो ये हमने डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा एल एन कॉसिक एक्स प्लस कॉट एक्स, फिर कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉसिक एक्स कॉमन निकालेंगे तो डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, तो डी यू आ रहा माइनस कॉसिक एक्स डी एक्स, ये आ रहा है। यहां तक समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखिए हमको क्वेश्चन में लिखा था पाई बाय फोर से पाई बाय टू टू कॉसिक एक्स की पावर 17 लिखा था, तो मैं क्या करता हूं इसे इसको इस तरह से स्प्लिट कर देता हूं, क्योंकि तो हमको dx के साथ में 2 cosec x dx हो गया और ये हो गया 2 cosec x की पावर 16, ठीक है। अब ये क्या हो गया, देखो ये हो गया e टू दी पावर u प्लस e टू दी पावर माइनस u की पावर 16 टू cosec x dx, यहां से देखिए इस एक्सप्रेशन से हो जाएगा माइनस डी यू। अब यहां देखिए x है पाई बाई फोर, x पाई बाई फोर हो गया, हम इसमें पुट कर रहे हैं x की वैल्यू पाई बाई फोर, x की वैल्यू पाई बाई फोर पुट करोगे तो cosec पाई बाई फोर होता है रूट टू, cot पाई फोर होता है वन, तो ये आ जाएगा ln वन प्लस रूट टू, और पाई बाई टू पुट करोगे तो cosec पाई बाई टू वन, cot पाई बाई टू जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा और एक माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। टू डी यू, तो मैं टू को बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूं, आपको जहां जहां भी तकलीफ आए मुझे बताइए। देखिए स्टार्टिंग से क्वेश्चन ये है, आपको जो भी स्टेप में समझ में आया, पहले मैंने यू निकाला, मैंने एज्यूम तो कर लिया e टू दी पावर u प्लस e टू दी पावर माइनस u, लेकिन मैं du कैसे निकालूंगा, मुझे तो dx चाहिए ना, dx ये तो सब्स्टिट्यूट कर, लेकिन dx तो चाहिए होगा ना इन टर्म्स ऑफ du, क्योंकि dx है यहाँ पर, मुझे चेंज करना पड़ेगा du के टर्म में। तो पहले मैंने x, पहले मैंने सॉल्व करके y निकाला, तो y आ गया cosec x प्लस माइनस cot x आया,
तो मैंने cos x plus cot x करके सॉल्व कर रहा हूँ, आप माइनस करके भी करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं। ये हो गया। अब इसमें मैंने लॉगरिथम लिया तो u आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो du तुरंत आ जाएगा। देखते जाइए बेटा, जहां पर भी समझ में नहीं आया मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आया कि जिस स्टेप में समझ में नहीं आया मुझे बताते जाइए। ठीक है, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया तो बिल्कुल लिखा करिए, सबकी अपने अपने अंडरस्टैंडिंग होती है, सबको अपने अलग अलग तरीके से समझ में आता है, तो कुछ भी कुछ किसी को समझ में नहीं आया तो अपने डाउट्स डिस्कस किया करिए। प्रीवियस सर सॉल्व करना मैंडेटरी है, आप लोग सॉल्व नहीं करते इसलिए मैंने यहीं से चालू किया भाई, प्रीवियस सर पहले कंप्लीट करो फिर बाद में दुनियादारी जो कुछ भी मॉड्यूल हो गया या जिस बुक से सॉल्व करना करो, प्रीवियस सर तो कम से कम कर लो यार, क्योंकि तो जो बी टेस्ट एडवांस वाला होता है उसमें प्रीवियस सर के मल्टीपल करेक्टर भरे रहते हैं, अब तुमने किए नहीं होते इसलिए तुम्हारे मार्क्स कम हो जाते हैं, बाकी बच्चों ने कर लेते हैं उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। हाँ देखिए बेटा 41 तक तो हो गया, अब यहाँ मल्टीपल करेक्ट का नंबर आ गया। देखते जाइए, मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, नील सब जीत सभी का नंबर आएगा, 2016 हो 15 हो 18 हो सबके डिस्कस करूंगा, चिंता मत करिए। आप देखते देखिए मैं वन बाय वन निकाल तो रहा हूं ना क्वेश्चन, देखिए 1 2 3 4 कोई डाउट है, फोर्थ वाला बी टेस्ट में आता रहता है ध्यान रखो, फिफ्थ वाला एरिया से रिलेटेड है तो नेक्स्ट चैप्टर है, सिक्स्थ सेवेंथ में डाउट है, तो ये मैं एक पूरे पेज में कर देता हूँ, आप बताइए देखिए आपको किसी को डाउट है, मैं जब तक पानी पीता हूँ आप लोग देखिए।
ठीक है बेटा, अब बताइए 8, 9, 10, 8th वाला, 9th वाला, 10th वाला, कोई भी। इलेवन, ट्वेल्थ, देखिए 8, 9, 10, 11, 12, किसी में डाउट है? ट्वेल्थ में नहीं है तो बेटा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई हर क्वेश्चन हर जगह नहीं हो सकता ना। एफ डैश एक्स है 192, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 की मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है, तो ये आ जाएगा 192/2, 2+0, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लेना, तो पहले तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, एफ डैश एक्स की रेंज आ गई ना। अब तुम्हारा काम क्या है, इसको एक बार इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, हाफ से वन, आप इस तरह से हाफ से लेकर वन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, यहां भी हाफ से वन और यहां भी हाफ से वन, कर लोगे ना ये, तो एफ एक्स आ जाएगा अगेन हाफ से वन, दो बार तुम्हें इंटीग्रेशन कर लगाना पड़ेगा, दो बार, तो एक बार हाफ से वन लगाया तो एफ एक्स के लिए एफ एक्स आ जाएगा, एक बार और लगा देना है तो दो बार तुम इसको इंटीग्रेट करोगे हाफ से वन में, तो जो हमें दिखता है वो आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा किसी किसी बच्चे का डाउट तो था शायद, मेरे ख्याल से ये किसी बच्चे ने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम ग्रुप में, ये समझ में आया वो उस बच्चे को कि नहीं आया, क्या किया है मैंने, ये इसमें दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट करना है, दो बार इंटीग्रेशन लगाना है हाफ से लेकर वन, जो ये गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना वो वाली लगा देनी है, ये क्वेश्चन में गिवन है ये हमको अप्लाई कर देना है हाफ से वन, इंटीग्रेशन फ्रॉम हाफ टू वन, दो बार अप्लाई करना है, दो बार आंसर आ जाएगा। अब ये अच्छा, इसमें और एक ट्रिक, एक ये भी एक ध्यान में रखना, ये आंसर मान लो आया 2, 2, 3 आया, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, कुछ और भी आंसर कुछ और ही है, मैं अज्यूम करता हूँ लेट से इसका आंसर आया है, इसका आंसर आया है 2 से लेकर 3 आया,
तो आंसर जरूर नहीं टू से थ्री गिवेन हो, वो हो सकता है माइनस वन से फाइव गिवेन हो सकता है, क्योंकि टू और थ्री के, टू और थ्री जो आंसर है वो टू और थ्री के बीच में है, तो यदि टू और थ्री के बीच में कोई आंसर है तो माइनस वन और सेवन के बीच में होगा ही होगा, ऑटोमेटिकली होगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी बेटा इसको देख के बनाया गया है ना, एफ एक्स एफ डैश एक्स गिवन है और डिनोमिनेटर की साइन की पावर फोर लिखा है, साइन की पावर फोर तो मिनिमम जीरो ही हो सकता है और मैक्सिमम वन हो सकता है, तो जीरो पुट कर दिया, डिनोमिनेटर मिनिमम करोगे तो ओवरऑल मैक्सिमम आ जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स की। इसी तरह से वन पुट किया तो एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू आ गई, तो एफ डैश एक्स की ये फंक्शन बन गया, ये हमने इनइक्वालिटी पहले एस्टेब्लिश कर ली, अब हमें बस इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आई थिंक आप में से ये शायद किसी बच्चे को डाउट इसमें था शायद 13th में। तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए कैसे क्या करना है, उसके बाद ही मैं कुछ इसमें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की एक्सप्रेशन देख के ही समझ में आ रहा कि काफी लेंदी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसे समय समझाया वैसे तुमसे बन जाएगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है बेटा, देखिए मैं पहले लिखता हूँ क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा काफी ये। एफ ऑफ एक्स गिवेन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल है, और अब मुझे देखना पड़ेगा क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, पावर वन बाई एन है। ठीक है मुझे देखना है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई फोर से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। न्यूमरेटर में है एक्स प्लस एन, एक्स प्लस एन बाई टू, एक्स प्लस एन बाई एन। और पावर में देख लेते हैं, पावर में क्या है, पावर में x बाई एन है, पावर में है न्यूमरेटर में, सॉरी यहाँ की पावर में x बाई एन, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहला काम प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो n, n फैक्टोरियल क्या होगा, वन टू थ्री से लेकर n होगा, और न्यूमरेटर से मैं क्या करता हूँ n की पावर n डिवाइड कर देता हूँ इस तरह से, क्लियर। अब यहां देखिए x प्लस n है, n बाई वन, x प्लस n बाई टू से लेकर x प्लस n बाई n है, न्यूमरेटर होगा x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई टू स्क्वायर से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा, लॉगरिथम लेना पड़ेगा, तो मैं पहले से प्रोडक्ट पाई की फॉर्म में लिख देता हूँ ना, पाई को बस रिप्लेस करूंगा सिग्मा से, तो ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस एन बाई आर, आर इक्वल टू वन टू एन, ये हो जाएगा पाई आर बाई एन, आर इक्वल टू वन टू एन, हो जाएगा पाई आर इक्वल टू वन टू एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आएगा होल पावर है एक्स बाई एन। तो थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड लुक तो है ये,
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया? यहां तक कोई जो मैनिपुलेशन किया है, आप दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए। तो लॉगरिथम लेंगे तो ये क्या होगा, ये तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, ये जो पावर है एक्स बाई एन बाहर आ जाएगी, ये सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, आर इक्वल टू वन टू एन एल एन एक्स प्लस एन बाई आर माइनस सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन एल एन आर बाई एन माइनस सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये होगा। अब तुम्हारा काम क्या है, इसको इंटीग्रेशन में चेंज करना है। ये कैसे, ये एक्स तो बाहर आ जाएगा, ये वन बाई एन से समझ में आ रहा है कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो सभी इंटीग्रेशन को चेंज करिए, ये हो जाएगा जीरो टू वन एल एन एक्स प्लस एक्स ऑलरेडी मेंशन है तो इसलिए मैं इसको टी में लिखता हूँ, एन बाई आर है ना, तो एन बाई आर हो जाएगा वन बाई टी डी टी, ये हो जाएगा सिग्मा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो टू वन एल एन टी डी टी माइनस जीरो टू वन एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। देखो बेटा ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यही सबसे क्रिटिकल स्टेप यही है। वो सब्स्टिट्यूशन आपको याद है क्या करते थे, वो चेंजेस कैसे करते थे, मतलब सिग्मा टू कैसे हम इंटीग्रेशन चेंज करते थे, आर बाई एन की जगह एक्स करते थे, आर बाई एन की जगह एक्स करते थे, यहाँ पे क्योंकि एक्स ऑलरेडी मेंशन है तो इसलिए मैंने उसकी जगह टी कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, इसमें हम जीरो टू वन में सभी लॉगरिथम कंबाइन कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है ना, एडिशन प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है नंबर, और डिवीजन में यदि माइनस में लॉगरिथम तो नंबर डिवीजन में आ जाता है। इसमें एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा टी एक्स प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन डी टी। ठीक है, अब टी एक्स कैसे लिखा है क्वेश्चन में, टी एक्स को मैं पुट टी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स डी टी हो जाएगा डी वाई, तो ये जो एक्स है ना, एक्स और ये डी टी, ये बन जाएगा डी वाई। समझिए, समझते जाइए बेटा, लिखने ही वाला काम बाद में, क्योंकि तो ये लेंथी क्वेश्चन है। तो जाएगा y प्लस वन अपॉन y स्क्वायर प्लस वन, और ये बन जाएगा dy। वाई एक्स, जब t की वैल्यू जीरो होगी तो y जीरो, t की वैल्यू वन होगी तो ये x आ जाएगा, ये बन गया fx आ रहा है जीरो टू x ln y प्लस वन अपॉन y स्क्वायर प्लस वन dy। तो f डैश x क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा एल एन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ये होगा। तो पहले आप इसको यहां तक, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है बेटा, पहले यहां तक आप लोग लिख लो और समझ लो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूं।
यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा बेटा लेंथी क्वेश्चन है ये, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि है ही, डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, 5 मिनट 4 मिनट तो लगने वाले हैं, तो पेशेंस चाहिए होता है इन सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसे नहीं होता है कि बस आपको बस चुटकी बजाते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। वो मेंस सीईटी के क्वेश्चन होंगे तुमसे, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में तो हमको हर क्वेश्चन में सोचना है, हर क्वेश्चन में प्रॉपरली राइट डायरेक्शन में सोचना है।
अब बेटा इसके बाद तुमको ऑप्शन से ट्राई करना है कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। एफ ऑफ हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ वन है, बी ऑप्शन में लिखा है एफ ऑफ 1/3 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 2/3 है, इस तरह के ऑप्शन है। तो एफ ऑफ हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले तुम चेक तो कर लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। तो एफ डैश एक्स, अच्छा बताइए बेटा एक्स पॉजिटिव होगा कौन बड़ा होगा, एक्स प्लस वन बड़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बड़ा होगा, कौन बड़ा होता है एक्स या फिर एक्स स्क्वायर। तो वो फर्क पड़ता है जीरो और वन के बीच में है कि किसमें है एक्स। तो एक्स में जीरो से वन के बीच में अज्यूम कर लेता हूं, तो जीरो से वन में एक्स प्लस वन बड़ा होगा, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा कि नहीं होगा। तो एल एन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब एफ डैश एक्स कैसा है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा इनक्रीजिंग, इंक्रीजिंग होगा। तो जो हाफ पर वैल्यू और वन पर वैल्यू कौन बड़ी होगी, हाफ पर वैल्यू और वन पर वैल्यू में से वन पर वैल्यू ज्यादा होगी, टू बाई थ्री और वन बाई थ्री में से, तो एफ ऑफ 1/3 लेस देन एफ ऑफ 2/3। प्लीज आप आंसर तक जरूर निकालिए आंसर, क्योंकि अल्टीमेटली हमने कैसे सॉल्व किया ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है ऑप्शन आपने कौन से टिक किए हैं। तो आप अभी भी ये क्वेश्चन अधूरा है, अभी भी आप ऑप्शन से उसके आंसर निकालिए और मैच करिए, चेक करिए। ये बेटा फर्स्ट पेज जहां से हमने प्रॉब्लम चालू किया था सॉल्व करना, इसके बाद मैं वो दिखाता हूँ सेकंड पेज। Thank you.
नहीं बेटा ये LNFX है। ओ मेरे मेरी मिस्टेक है, ये LNFX है, LNFX है, LNFX, ये LNFX है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आ जाएगा। माई मिस्टेक, बेटा ये LNFX था, मैंने भी गलती से लिखा है, ये FX था, मैंने जब लॉगरिथम लिया तो ये LNFX था यहाँ पर, फिर इसके बाद में ये LNFX ही था, मैंने ये गलत लिखा है, FX नहीं है, LNFX है। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू LNX+1 अपॉन X²+1। आप यहां तक तो आ गए हैं ना, यहां तक आंसर आ चुका है। अब आप चेक करके ये ऑप्शन आपसे बन रहे नहीं बन रहे, फिर मैं ऑप्शन देखूं, यदि नहीं बन रहे हैं तो। देखो बेटा इस प्रॉब्लम के बाद आप लोग ऑप्शन से चेक करिए आपसे बन रहे नहीं बन रहे हैं। इसके बाद तो सब्जेक्टिव सेक्शन है तो इसको रहने देते हैं। इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन तो आप लोग देख लीजिएगा बुक में। और कोई बेटा मल्टीपल करेक्ट में प्रॉब्लम है?
2017 तक तो है नहीं बेटा, इसमें जो मेरे पास बुक है उसमें 2016 तक ही है, तो 17 वाला प्रॉब्लम मुझे आप टेलीग्राम में पोस्ट करिए तो फिर मैं देखता हूँ। खैर अभी पहले इस बुक के सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक करके 2017, 18, 19 के भी कर लेंगे। अब बेटा मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ मैं, इसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ये है, इतना ये तो बहुत ही छोटा सा गिवन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेंस में, अभी पहले एडवांस वाले कर लेते हैं फिर मेंस में जाते हैं, मेंस वाले करेंगे। बेटा 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मैं जब तक पेंसिल्स को चार्ज कर लेता हूँ थोड़ा है, 10 मिनट का ब्रेक है, फिर ब्रेक के बाद में हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और उसके बाद में फिर मेंस, इनडेफिनेट के मेंस और डेफिनेट के मेंस के डिस्कस करेंगे, ठीक है? और फिर टाइम बचता है तो सभी 2017, 18, 19 के क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग पोस्ट करिएगा, उसका जब मैं कहूँ उसका पोस्ट करिएगा, ठीक है ना? अभी तो बहुत सारे पोस्ट आते हैं तो मैं देख भी नहीं पाता हूँ, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे।
हेलो। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही, दिखाई दे रहा है? तो अब हम डिस्कस करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को। तो आप अपने जो भी डाउट्स हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के आप शेयर करिए। मैं एक बार लैपटॉप में इसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अपने डाउट्स शेयर कीजिए। बताइए बेटा, कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको? बताइए बेटा, किस क्वेश्चन में डाउट है आपको? तो मैं वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस और के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन क्या है? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 9/2 है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो बेटा हम क्या करते हैं, इसमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम टी पुट कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स तो 1 होता है ना, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये 1 होगा। तो यहां से आ जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स आ जाएगा 1/t। इन दोनों को हम ऐड कर दे रहे तो 2 sec x आ जाएगा t प्लस 1/t, दैट इज t² + 1/t। तो sec x आ गया t² + 1/2t। ठीक है, अब देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी आएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब न्यूमरेटर में हम यही चीज बना लेते हैं। देखिए न्यूमरेटर में क्या करते हैं हम, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर
11 बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा यहां तक समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, जो फर्स्ट sec x है इसकी वैल्यू होगी t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2t, और ये जो है ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय, ये हो गया t की पावर 11 बाय 2। अब देखिए बेटा यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। अब इसको तो इंटीग्रेट करना तो आप कर ही सकते ना। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 13 बाय 2 डी टी। तो आई आ गया टी की पावर माइनस 9 बाय 2 प्लस टी की पावर माइनस 13 बाय 2 डी टी। बस आपको काम क्या है, इंटीग्रेट कर देना क्वेश्चन सॉल्व। जी बस टी की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ गया। तो देखिए आपको फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो पूछिए बताइए। बेटा और किसी क्वेश्चन में डाउट है? इस क्वेश्चन में समझ में आ गया? देखिए फर्स्ट वाला देखिए बेटा, तो इसमें क्या करते हैं, कॉस एक्स को कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4 एक्स,
इंटू कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर फोर एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी। जो नोमरेटर के जो कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इनको चेंज कर लो, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी टू दी पावर फोर इंटू डी टी। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स की वैल्यू टी पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ क्या रहा है, आ रहा है वन प्लस टी टू दी पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी टू दी पावर फोर डी टी। हाँ बेटा, टी टू दी पावर फोर माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस टू अपॉन टी स्क्वायर, टी टू दी पावर फोर प्लस t टू दी पावर फोर प्लस टी स्क्वायर, ये बना। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन पहले तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं वन, और इसमें फोर टी स्क्वायर माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस वन, इसमें लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो मैं पार्सल बिना पार्सल फ्रैक्शन के ही कर लेता हूँ, अल्टीमेटली मुझे तो फैक्टर को सेपरेट करना है ना, तो मैं ऐसे ऐसे लिख देता हूँ टी स्क्वायर प्लस वन को टू टाइम्स, और ये हो गया सिक्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। बस इंटीग्रेट कर लेना आप। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? अब बताइए और कोई क्वेश्चन पूछना है इनमें से? इस पेज में
बेटा ये सब्जेक्टिव के समय आता था। देखो क्यूब रूट में यदि एक्स को हटाना है क्या करेंगे, एक्स को हम टी क्यूब पुट करेंगे और ये टी की पावर फोर, इसमें टी की पावर सिक्स, इसमें टी की पावर 1/2, मतलब टी स्क्वायर टी की पावर सिक्स, इनका एलसीएम पुट कर देते हैं। ध्यान रखो हमें टी, हमें यदि रूट फ्री बनाना है क्यूब रूट को तो टी क्यूब पुट करेंगे, स्क्वायर रूट के लिए टी स्क्वायर टी की पावर सिक्स इस तरह से पुट करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इन सब का एलसीएम पुट कर देंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा, टी की पावर सिक्स, तो टी की पावर सिक्स को हम पुट कर देंगे टी की पावर एक्स इज इक्वल टू टी की पावर सिक्स, तो डीएक्स क्या हो जाएगा, सिक्स डी टी की पावर फाइव डी टी। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 1/ क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका क्यूब रूट कितना होगा टी स्क्वायर, फोर्थ रूट है तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, फोर्थ का फोर्थ रूट मतलब स्क्वायर अंडर रूट टू हो गया, प्लस एल एन 1 + t डिवाइडेड बाई क्यूब रूट होगा टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट होगा टी क्यूब और dx हो जाएगा 6 t की पावर 5 dt। अब बेटा थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन में मेरे ख्याल से करेक्शन होगा, ये फोर्थ रूट ऑफ फोर नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से फोर्थ रूट ऑफ t होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसके सॉल्यूशन, आपके पास सॉल्यूशन है तो इसके सॉल्यूशन में आप चेक कर लीजिएगा, ये फोर्थ रूट ऑफ टी होगा, इसके लिए हमें टी की पावर फोर को पुट करना होगा, तो अल्टीमेटली हमें टी की पावर 12 पुट करेंगे। ये तो मिस्टेक है, इसमें कुछ क्वेश्चन में गलती है, तो इस हमें टी की पावर 12, इसको एक्स को हम टी की पावर 12 पुट करते हैं, तो डीएक्स हो जाएगा 12 t की पावर 11 dt, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3√x t की पावर 4 क्यूब फोर्थ रूट ऑफ टी टी क्यूब प्लस एल एन 1 + t² डिवाइडेड बाई टी की पावर 4 + t की पावर 6 इंटू डीएक्स कितना होगा 12 t की पावर 11 dt। ठीक है, तो ये एक्स, तो इसे ध्यान रखना ये करेक्शन है, यहाँ पर ये होगा फोर्थ रूट ऑफ एक्स होगा। अब तो कर सकते हो ना बेटा, अभी क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला, पहले सब्जेक्टिव था तो आता रहता था, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 t की पावर 11 / t की पावर 4 + t³, और ये होगा 12 t की पावर 11 ln 1 + t² डिवाइडेड बाई टी की पावर 4 कॉमन 1 + t² dt। अब तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना, रूट गायब हो गए, इसके बाद इसमें तो डिवाइड करके पार्शियल फ्रैक्शन करना लेंथी है और इसमें बाई पार्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी सेकंड वाले में। तो अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, तो यू कैन स्किप इट। इसकी जगह आप लोग क्या करना, ये वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 10, ये इम्पोर्टेंट है, दिखता है। क्वेश्चन नंबर 13 सब्जेक्ट में ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस ये आ चुका है, सिक्स्थ वाला भी, तो सिक्स्थ 10th और 13, ये दोनों, ये तीनों ट्राई कर लेना।
टेंथ वाले में बाई पार्ट लगाना, कॉस टू थीटा को इंटीग्रेट करना, ln वाले जो ln वाला जो लार्ज एक्सप्रेशन है ना इसको डिफरेंशिएट करना, इसमें बाई पार्ट से सॉल्व हो जाएगा। ln के अंदर जो दिख रहा है ना इतना बड़ा सा, ln वाले एक टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है, कॉस टू थीटा को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब जेई मेंस वाले क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे अभी के लिए एटलीस्ट रिलेवेंट है। बताइए 1 2 3 कोई डाउट है? थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, लॉग वाले जो भी क्वेश्चन देखे कर लेना। फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई डाउट है? फोर्थ बेटा मॉड्यूल के भी नंबर आएगा, चिंता मत करो, आज नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास, एक और क्लास है ना उसमें आएगा। अच्छा और देखिए देखिए इसमें से किसी में क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है? सेवेंथ, सेवेंथ में बेटा एक्स क्यूब को टी पुट कर दो ना, इसे क्या लिखो, एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुट टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डी टी कितना हो जाएगा 3x² dx, तो ये आ गया देखो टी एफ ऑफ टी, ये हो जाएगा डी टी बाई 3। अब हमारा काम क्या है, बाई पार्ट लगा देना, तो 1/3 टी एज इट इज, एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन, एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, साई ऑफ टी होगा, इस सिंबल को कहते हैं साई, माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1, एफ का इंटीग्रेशन साई डी टी, ये आंसर हो गया। अब टी की जगह वापस से एक्स कर दो, एक्स के टर्म में आंसर है ना, तो 1/3 एक्स क्यूब साई एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स क्यूब और डी टी हो जाएगा 3x² dx। ठीक है, आ गया समझ में? मॉड्यूल का आज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी मेरे पास मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब कोई आप में से कोई मॉड्यूल की पीडीएफ मेरे पास भेजिए तो फिर मैं उसको डिस्कस करता हूँ, अभी मेरे पास पीडीएफ उसका अवेलेबल नहीं है। देखिए बेटा और कोई डाउट है? इसमें देखिए 9 और 10 में कोई डाउट? ठीक है बेटा, अभी पहले इसके कंप्लीट कर लेते हैं 9 10, मतलब इसका इनडेफिनेट वाला कंप्लीट हो गया पोर्शन। ठीक है, डेफिनेट का ये तो मैंने सभी डिस्कस कर दिए थे, अब मैं इसके जेई मेंस वाले पोर्शन में जाता हूं और फिर उसके बाद डिस्कस करता हूं।
इस मैट्रिक्स में ट्राई किए, आप लोग ट्राई नहीं करते, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, फिर उसके बाद देखते रहोगे सब एक दूसरे की फेस। आप लोग जेई मेंस जेई एडवांस की तैयारी करो, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना मैंडेटरी पार्ट है। पैराग्राफ हो गया, तो पैराग्राफ ये सब मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं इंटीजर टाइप में, किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में, यदि ट्राई किए हो तो। देखो इंटीजर टाइप में इसको डाउट है ओवी को। हाँ देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखो बेटा ये वाला प्रॉब्लम है, ये बाई पार्ट लगाइए ना इसमें, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। 4x³ इसका इंटीग्रेशन आएगा dy बाई dx ऑफ 1 - x² की पावर 5। इसमें लिमिट पुट करनी है 0 to 1 माइनस 4x³ का डिफरेंशिएशन 12x² इंटीग्रेशन ये है dx। अब इसमें देखो, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन तो ये वाला हम कर ही सकते हैं ना। ये कितना आएगा, 5 * 1 - x² की पावर 4 - 2x आएगा। लेकिन 0 to 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो हट जाएगा। तो अपर लिमिट भी 0, लोअर लिमिट भी 0, ये आंसर आ रहा है। अब x² इसमें अगेन बाई पार्ट लगा देना, आपका आंसर आ गया। अगेन इसमें बाई पार्ट लगा दो, अरे बेटा टीज मत किया करो एक दूसरे का। किसी को डाउट है तो अपने डाउट्स क्लियर करो, अननेसेसरी कमेंटबाजी मत करिए, फोकस करिए कि हम क्वेश्चन को समझें। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए तो हमसे बन जाए आप लोगों के मार्क्स में। यदि तुम आप लोग सीरियसली थोड़ा सा प्रिपरेशन करें, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के मार्क्स कहीं विजार्ड के आधे बच्चों से ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। एवरेज परफॉर्मेंस बता रहा हूँ आपकी क्लास की और रिमेनिंग विजार्ड के बच्चों की, आप ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट ईयर FCCOC के दो बच्चे हमेशा टॉप टॉप 50 में रहते थे, हमेशा टॉप 50 में हमेशा रहे। हमें उनकी लास्ट में परसेंटाइल 99.99 के अबव ही परसेंटाइल थी दोनों की।
आप लोग मेहनत करिए, आप लोगों में पोटेंशियल है, आप लोग 99-98 परसेंटाइल ला सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग आपस में ही लगे रहेंगे तो फिर तो आपस में लैग पुलिंग करेंगे तो सबका ही नुकसान है फिर। बेटा अभी वन बाय वन करूंगा ना डिस्कस, नील आप 2018-19 बोल रहे बार बार, अब मेरे पास जो अवेलेबल है पहले उससे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में टाइम बचेगा, अभी हमारे पास एक क्लास और है उसमें डिस्कस करेंगे। अब तो एक कर लेंगे ना बेटा, बाय पार्ट लगा दोगे इसमें आंसर आ जाएगा। और बताइए इसमें और कोई डाउट है इसमें? और आप में से कोई पीडीएफ भेज दीजिए मेरे पास बनाकर 2018-19 के पेपर्स की, मैं अभी के अभी डिस्कस कर देता हूँ। आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए, मैं अभी के अभी डिस्कस कर लेता हूँ। नहीं बेटा अभी एक लेक्चर अपना कैंसिल हो गया था ना, वो मैं नेक्स्ट अभी लूंगा इसी वीक में। आप अभी वही डिस्कस करना था कि किस डेट को ले सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे को चलेगा? डबल लेक्चर तो नहीं है ना आपके, फ्राइडे को या सैटरडे को? वो भी डिस्कशन लेक्चर ही रहेगा, उसमें हम मॉड्यूल के डिस्कशन करेंगे और 2019 के पेपर्स के डिस्कशन करेंगे। तो मैं फ्राइडे को या जिस दिन मेरा टाइम फ्री रहेगा मैं तुमको टेलीग्राम ग्रुप में अभी के अभी 9 बजे क्लास खत्म होने के बाद पोस्ट कर देता हूँ। हो गए बेटा? अब बताइए मेंस वाले नंबर आ गए, मेंस वाला बताइए। आज हम 2018 के पहले वाले सब डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में 2018-19-20 और मॉड्यूल ये डिस्कस करेंगे, डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों के। देखो बेटा ये वाला प्रॉब्लम कह रहे हैं 0 to 1, इसमें ये आई हमें गिवन है 0 to 1 fx into gx dx है। अब यहां देखिए f डैश x और fx दोनों का डिफरेंशिएशन सेम है, इसके अलावा फंक्शन कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। एफ एक्स सिंपल सी बात है, यहां से एफ एक्स इसको देखकर हम सिंपल गैस कर सकते हैं एफ एक्स क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स होगा। तो जी एक्स क्या होगा? जी एक्स होगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स, दैट इज ये होगा। एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको बाई पार्ट लगा के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पहला वाला बाई पार्ट से सॉल्व होगा और दूसरा वाला तो सिंपल e टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन।
एरिया वाले अभी नहीं करने हैं, एरिया वाले जब एरिया चैप्टर पढ़ लेना तब करना। और बताइए, टेंथ इलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन में से कोई फोर्टीन फिफ्टीन, अच्छा फिफ्टीन वाला बेटा या इसको जरा मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज मार्क क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, रिपीट भी हुआ है, इवन एडवांस में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो मैं ये बता देता हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो फंक्शन हमें गिवेन है ना एफ एक्स, इसमें मैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं तो क्या आएगा, तो ई टू दी पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई टू दी पावर एक्स, इसमें ई टू दी पावर एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यह आएगा e to the power x plus 1 upon e to the power x plus 1, that is 1 आ गया। तो f of x plus f of minus x 1 आता है, तो f of a plus f of minus a भी 1 होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इस जो जिसमें x है i1, इसमें हम लगा देते हैं बाई पार्ट, सॉरी किंग रूल। इसमें हम क्या लगा रहे हैं, किंग रूल लगा रहे हैं, किंग रूल। तो किंग रूल में क्या होता है, दोनों लिमिट का सम माइनस x, मतलब दोनों लिमिट का सम कितना है, 1 है माइनस x, तो x जगह में क्या कर देना है, एक्स जगह हमें कर देना वन माइनस एक्स। ये आएगा, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करेंगे हम तो आ जाएगा टू आई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस ए टू एफ ऑफ ए, ऐड करेंगे तो देखो एक्स वन एक्स प्लस वन माइनस एक्स होगा ना, तो वो कैंसिल होके वन आ जाएगा, ये आएगा जी वन माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ये क्या है, आई टू है, तो आई टू बाई आई वन कितना आ गया, टू, तो आई टू बाई आई वन आ रहा है टू। क्वेश्चन नंबर 15 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके आप अपने क्वेश्चन में जरूर ये थ्योरी में लिख लीजिएगा नोट करके, अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जेई मेंस में रिपीट होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, किसी न किसी पेपर में जरूर रिपीट होगा आप नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देंगे। फिफ्टीन वाला समझ में आ गया सही बच्चों को,
अच्छा बेटा बताइए, 17, 18, 19 तो फिर एरिया वाला है, तो 17 वाला क्वेश्चन डाउट है क्या? 17 वाला ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री, 21 में बेटा किंग लगा देना, किंग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस, दोनों लिमिट का सम तो जीरो है ना, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस एक्स डी एक्स, तो माइनस पाई टू पाई ये कितना आएगा, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये सेकेंड ये फर्स्ट दोनों को ऐड कर देना, तो 2i आ जाएगा माइनस पाई टू पाई, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल आएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम 0 टू पाई हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। अब कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो जानते हो ना, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो मैंने सिखाया था ना बेटा, जैसे मैं x दिखे और एक्सपोनेंशियल वाला टर्म दिखे तो उसमें हमें क्या करना है, किंग रूल लगा देना है। हो गया 23, अब इस पेज में देखते हैं 24, 25, 26, अरे यार तुम तो क्वेश्चन की साइज में मत जाया करो, इतना बड़ा देखने में लग रहा है। आप लोग इसमें इसको क्या लिखिए, इसको इस तरह इंटीजर पार्ट है ना, इंटीजर पार्ट को कैसे स्प्लिट करते हैं, इंटीजर पॉइंट पे स्प्लिट करते हैं, तो इसको इस तरह से स्प्लिट कर लीजिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 से लेकर a माइनस 1 से a, ए के बारे में क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन नहीं है किया है कि इंटीजर है, तो इसकी जगह आप इंटीजर पार्ट ऑफ ए से लेकर ए तक इस तरह से स्प्लिट कर लीजिए। अच्छा 1 से 2 में इंटीजर पार्ट कितना होता है, 1 होगा, तो ये सिंपल पहला वाला हो जाएगा, सिंपल एफ डैश ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा। सेकंड 2 से 3 में इंटीजर पार्ट होगा 2, तो ये हो जाएगा 2f डैश। थर्ड में हो जाएगा 3f डैश, और यहाँ पर हो जाएगा लास्ट वाले में इंटीजर पार्ट ऑफ ए एफ डैश। बस इंटीग्रेट करिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करिए आंसर। गौतम समझ में आया है क्या लिखा है मैंने?
26, 27, ट्वेंटी नाइन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिये 29 साइन एक्स अपॉन रूट एक्स है ना, तो जीरो से वन में साइन एक्स को हम ले सकते हैं ना, आई लेस देन साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, साइन एक्स इज लेस देन एक्स होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या पॉजिटिव साइड में साइन एक्स इज स्मॉलर देन एक्स, तो आई क्या हो जाएगा जीरो टू वन एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, दैट इज जीरो टू वन रूट एक्स डी एक्स, बस आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट करोगे तो ठीक है, तो आई लेस देन आएगा। तो ये आंसर आ गया टू बाय थ्री, तो आई इज स्मॉलर देन टू बाय थ्री। और जे के बारे में करें तो जे की कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, तो ये हो गया वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसको आंसर निकालोगे तो आ जाएगा जे इज स्मॉलर देन टू, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा जे इज स्मॉलर देन टू। नेक्स्ट पेज देखिए बेटा, 32, 34, 35, 35, ये तो सभी एरिया के क्वेश्चन है तो ये नहीं करना है। फोर्टी वन, सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक मैंने क्लास में कराया था शायद। फोर्टी फोर, ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये दो कंप्लीट हो गया, 2018 तक तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे 2019 का डिस्कशन। तो अभी मैं देखता हूँ टेलीग्राम में कुछ कर सकते हैं क्या, टेलीग्राम सिग्मा के इक्वल टू 1298। देखो बेटा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, सिग्मा के इक्वल टू 1298, देखो बेटा यही प्रॉब्लम है जो मैंने लिखा है यहाँ पर,
क्या आपकी स्क्रीन में यही क्वेश्चन दिख रहा है जो करेक्ट लिखा है मैंने? तो इसमें क्या करते हैं बेटा, एक बार डिनोमिनेटर को हम मिनिमाइज कर देते हैं। डिनोमिनेटर मिनिमाइज कब होगा? जब हम एक्स की वैल्यू के पुट करेंगे, और डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ओवरऑल क्या आएगी? मैक्सिमम। तो आई इज स्मॉलर देन के इक्वल टू 1 to 98, के से लेकर के प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स। यहां पे मैं लिख देता हूं के प्लस 1। अब हमें इसके एक्चुअली ये हमें इनइक्वालिटी स्टेब्लिश करना है नहीं करना है, लेकिन हमें ऑप्शन मालूम होना चाहिए ना कि हमें निकालना क्या है। हमको इनइक्वालिटी आई लेस देन ग्रेटर देन बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या बनाना है? लॉग मतलब लॉगरिथम में लिखा हुआ है आंसर कैसे गिवेन है, हमें जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम कैसे इनइक्वालिटी बनाए, किस डायरेक्शन में जाएंगे? बेटा इस क्वेश्चन की आप, मैं प्रीवियस ईयर में ही देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है मुझे जहां तक याद है। ये सर, हाँ बेटा, सर टेलीग्राम पे मैंने ऑप्शंस दिए हैं सर, देखिए सर ऑप्शन जो। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का किस साल का आया हो क्वेश्चन बेटा? ये 2017 का है। अच्छा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। सॉल्ट पेपर 2018 का है। ठीक है, मैं देखता हूँ बेटा और फिर बताता हूँ। हाँ बेटा मिल गया, ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया। जब तक मुझे क्वेश्चन की डायरेक्शन ही नहीं क्लियर होगी तब तक मैं कैसे कुछ इनइक्वालिटी में, तो सिंपल सी बात है ना, आई लेस देन 2 है लेकिन क्वेश्चन में लिखा आई लेस देन 4। अब तुमने निकाला आई लेस देन 2 तो ऑब्वियस सी बात है आई लेस देन 4 होगा ही होगा ना। तो किस डायरेक्शन में जाना है, किसके फॉर्म में बनाना है, लॉगरिथम के फॉर्म में बनाना है या फ्रैक्शनल के फॉर्म में, इनवर्स के फॉर्म में, पाई बाय 2, पाई बाय 3 के फॉर्म में, तो ये तो हमें क्वेश्चन से ही, ऑप्शन से ही समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें हम यहां देखिए इस क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें क्या करते हैं, सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर 98 के, और ये के प्लस 1 है, इसमें के प्लस 1 डी एक्स अपॉन एक्स इंटू, मैं इसे के प्लस 1 कर देता हूं। तो के और के प्लस 1 के बीच में कोई नंबर है, देखिए बेटा मैं इसको पहले समझा देता हूं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिनोमिनेटर को मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में यदि मैं k प्लस 1 पुट कर दूं तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगी ना। इंटरवल कौन सा है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखा है, k से लेकर k प्लस 1 लिखा है। तो यदि मैं k प्लस 1 पुट कर देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू है k प्लस 1, तो यदि डिनोमिनेटर में मैं k प्लस 1 पुट कर देता हूं तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी,
डिनोमिनेटर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी यदि मैंने x प्लस वन की जगह k प्लस वन कर दिया। एक x k प्लस वन कट हो गया, और इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है मैं इसका सॉल्यूशन ही समझा देता हूँ आप लोगों को, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ स्पेस कम है थोड़ा फंस रहा है यहाँ पे 2017 का। हाँ देखो ये यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखो अब इन्होंने तो अजीब ही ढंग से किया है, इनके सॉल्यूशन में तो फिर मैं अपने से ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो बेटा मैं अपने से ही सॉल्व करके बताता हूँ, इन्होंने तो पता नहीं अजीब तरीके से सॉल्व किया है, जैसे हमने क्लास में अप्रोच की थी वैसे मैं बताता हूँ। अच्छा इसको देखिए बताइए, इंटीग्रेशन k से k प्लस वन है तो यदि डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में था x से लेकर x प्लस वन था। अच्छा बताइए डिनोमिनेटर को मुझे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम k से k प्लस वन पे कब होगा, k प्लस वन पुट करेंगे तो मैक्सिमम आएगा ना डिनोमिनेटर। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है ln x प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन होगा ln x प्लस वन, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो k प्लस वन हो गया, तो i ग्रेटर देन आ रहा है सिग्मा k इक्वल टू 1 to 98 ln k प्लस वन पुट करेंगे तो k प्लस टू हो जाएगा माइनस ln k प्लस वन, ये आ रहा है। अब इसमें क्या करिए, k इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर इसमें आई की वैल्यू के की वैल्यू वन पुट करेंगे तो आ जाएगा एल एन थ्री माइनस एल एन टू, टू पुट करेंगे तो एल एन फोर माइनस एल एन थ्री, इस तरह से 98 तक पुट करना है तो आ जाएगा 100 माइनस एल एन 99, तो क्या होगा अल्टरनेट टर्म कैंसिल आउट होने लग जाएंगे, इसके अल्टरनेट टर्म कैंसिल आउट होने लग जाएंगे। अच्छा इसमें इस फॉर्मेट में तो आंसर आ नहीं रहा है ना, देखिए ये आ रहा है ln 100 माइनस ln 2 आ रहा है, दैट इज ln 50 आ रहा है। अब ऑप्शन में ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं है ना, गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो हम इसको दूसरे तरह से बना लेते हैं। ये था सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर 98 k से लेकर k प्लस 1 k प्लस 1 dx अपॉन x इंटू x प्लस 1 था, तो मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर में मिनिमम वैल्यू पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू k पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू यदि k पुट करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा k प्लस वन, और ये डिनोमिनेटर की यदि डिनोमिनेटर को मैंने कम पुट किया है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये आ जाएगा सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर 98 ln x, और इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट k और k प्लस 1 पुट करेंगे तो i आ जाएगा लेस देन सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर 98 ln k प्लस 1 माइनस ln k, ये आ रहा है। अब इसमें क्या करो, i की वैल्यू k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ln 2 माइनस ln 1, 2 पुट करेंगे तो ln 3 माइनस ln 2, से लेकर 98 पुट करेंगे तो आ जाएगा ln 99 माइनस ln 98। अब समझिए अल्टरनेट टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं तो सबसे स्मॉलर और सबसे लार्जर टर्म बचेगा, तो ln 99 माइनस ln 1 बचेगा, ln 1 कितना है 0, तो आंसर क्या आएगा i लेस देन ln 99 हो गया, एक ऑप्शन तो मैच कर गया, ठीक है। फर्स्ट तरीके से हमको नहीं करना, ये वाला तरीका हमको नहीं करना है, यही तो हमें ऑप्शन से देखना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड क्या है, हमें चाहिए क्या है, तो हमको चाहिए i लेस देन i ग्रेटर देन, जैसे चाहिए वैसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है तो अभी तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा वाला देखो फ्रैक्शनल के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में,
फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हमें कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को? इसमें k प्लस वन कॉमन निकालो और इसमें इसको इंटीग्रेट करते हैं, k से लेकर k प्लस वन है ना, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? वन अप इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिफरेंस बन जाएगा, न्यूमरेटर में डिफरेंस बन जाएगा x प्लस वन माइनस एक्स, और डिवाइड करेंगे तो आ गया। अच्छा, इसमें हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर में वैल्यू k प्लस वन ही पुट कर देते हैं। देखो k से k प्लस वन है, ये k प्लस वन dx अपॉन, इसमें डिनोमिनेटर में k और k k पुट कर देता हूं, तो k पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? और यदि मैं k प्लस वन पुट करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, यदि मैं इसमें k प्लस वन पुट करूंगा तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे मैंने k प्लस वन k प्लस k x जगह k प्लस वन पुट किया तो ये इस तरह से रिवर्स हो जाएगा, तो आ जाएगा i ग्रेटर देन वन अपॉन k प्लस टू कॉमन, वन का इंटीग्रेशन x, इसमें k और k प्लस वन पुट करेंगे तो वन आ जाएगा, तो i ग्रेटर देन वन अपॉन k प्लस टू होगा। और सिग्मा में सिग्मा के सिग्मा भी है इसमें, ध्यान रखो। सर आप म्यूट हो।